आप इसको देख सकते हो इसका शेप कैसा है, हवा का पूरा इस्तेमाल। इसने कभी चूल्हा देखा ही नहीं, वो तो अलग ही बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल देसी कपल इन जर्मनी। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं रिवर साइड पे। बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि बारबेक्यू पार्टी की जाए, पर वेदर थोड़ा ठंडा था। कल से काफी सनी डे स्टार्ट हुआ है, कल तो बहुत ज्यादा था, 34 डिग्री था। लास्ट वीक से थोड़ा सा समर का वेदर हम बोल सकते हैं कि स्टार्ट हो गया है। और कल का जो दिन था वो 34-35 डिग्री था, तो कल बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर था, हाईएस्ट टेम्परेचर कह सकते हैं इस समर का। अभी आप बोलोगे 35 तो बहुत नॉर्मल चीज है, इंडिया में तो इससे ज्यादा होता है, पर यहाँ पे 34 मतलब काफी ज्यादा है, क्योंकि बाकी के 8 मंथ जो है हम बाहर जो निकलते हैं ओवरकोट पहन के रेनी स्प्रिंग एंड विंटर सीजन में, तो यहाँ पे वो गर्मी झेल पाना काफी मुश्किल हो गया था हमारे लिए। कल लिटरली हमें कूलर्स की, एसी की और फैन की जरूरत पड़ गई, और हमने दिन भर से फैन चला के रखा था, और बिल्कुल इंडिया वाली याद आ गई थी। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अभी यहाँ पर। तो अभी हम लोग जो है, ये ब्रिज है, दरअसल इस ब्रिज के अपोजिट साइड में रिवर के उस साइड पे हमारा घर है, तो हम लोग रिवर के इस साइड आ चुके हैं। तो आप हमारे पीछे देख सकते हो रिवर है, तो ये लोकेशन जो है हमने डिसाइड कर लिया, यहाँ पे थोड़ी सी घास है और आगे रेत है, तो इसको ड्यूसेलडॉर्फ का बीच कहा जाता है, क्योंकि ये रिवर है उसी के साइड में जो रेत होती है उसी को ये ड्यूसेलडॉर्फ का बीच कहते हैं। लोकेशन जो है, जगह थोड़ी सी सीधी है, अच्छी है, यहाँ पर ज़्यादा पत्थर नहीं है, तो यहाँ पर हम हमारा टेंट लगाएंगे और सब सामान लेकर आ गए हैं हम लोग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और साथ ही में हमारा इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है जिसका नाम है देसी कपल इन जर्मनी, तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम डे टू डे लाइफ के बारे में, अपडेट्स के बारे में स्टोरी में डालते रहते हैं, और साथ ही में वर्क, जॉब और स्टडी के रिलेटेड कुछ रील्स बनाते रहते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। लेकर आया था, मुझे भी ज़्यादा धूप पसंद नहीं है, और ख़ास करके रूपाली को जो है वो स्किन की रैश आ जाती है धूप में जाते थी, तो मैं खास उसके लिए जो है वो टेंट लेके आया था, तो वो लगाएंगे सो दैट हम छांव में बैठ सके, क्योंकि यहाँ पे ना पेड़ है ना कुछ है दूर दूर तक। तो ये बारबेक्यू का ही एक पार्ट है, तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में। और ये टेंट है, इसको लगाना बहुत ही आसान है, तो इस टेंट को जो है बस ऐसे पकड़ना है, वैसे छोड़ देना है, ये खुल जाता है अपने आप। उड़ ना जाए इसके लिए हमें रखने पड़ेंगे इसके ऊपर पत्थर। तो टेंट जो है वो हमारा लग चुका है अभी उसके अंदर बैठने के लिए, जो कि काफ़ी देर तक बैठना है, तो हम डायरेक्टली नहीं बैठ सकते, तो एक्चुअली योगा मैट है हमारे पास, वो हम लेकर आए हैं सो दैट वो आराम से हम अंदर बिछा देंगे, तो आसानी से हम लोग बैठ सकते हैं। तो अभी आप लोगों को दिखा देते कि हम लोग क्या क्या लेकर आए हैं। तो ये जो दो बॉक्सेस है इसमें हम वेजिटेबल्स, जिसमें है मशरूम, कैरेट, जुकीनी और ब्रिंजल, ये सारे चीज़ें हमने मैरिनेट करके रखी थी, ये हम बारबेक्यू के लिए यूज़ करने वाले हैं। ये जो है ऑलरेडी बॉइल्ड स्वीट कॉर्न है, तो हम इसे आज भून के देखते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, इसलिए हम ये भी लेके आए साथ में। सब्जी लेके आए हैं हम घर से बना के एक, तो हम राइस भी लेके आए हैं, ये जीरा राइस है। उसके बाद ये बॉक्स में है, ये है चेरी एंड ये है चेरी टोमेटो, ये एक्चुअली आइस क्यूब्स है, और ये जो घर से आते टाइम हमने जो चेरी तोड़े थे छोटे छोटे, वो ये फ्रेश चेरीज है, ये काफ़ी छोटे हैं। तो दरअसल ये जो आइस क्यूब होते हैं यहाँ पे कैसे होता है कि प्लास्टिक में पानी भरा हुआ होता है और वो पैक होता है, सो दैट आप वो फ्रीजर में रख दो वो आइस क्यूब जैसे बन जाता है, और आप कहीं भी जाते हो तो आपको जो है वो डायरेक्टली उसमें डाल देना है। जैसे अगर कोक गर्म है आपकी और कोक में अगर आइस क्यूब्स डाल दिए तो शायद कोक की टेस्ट चेंज हो सकती है, उसके लिए ये क्यूब्स है, डाल दो कोक पी लो और वो जो क्यूब्स है फिर से उसको वॉश करके फ्रीजर में स्टोर कर दो। और हम साथ में लेके आए हैं, अभी चेरी सीजन है तो चेरी मोई तो बनाने वाले हैं, तो उसका हमने जो प्यूरी है वो बना के लेके आए हैं बोतल में, सोडा लेके आए हैं, कोला लेके आए हैं, तो पूरा दिन आज हम लोग खाना और पीना बस वही करने वाले हैं, और ये जो टेंट है इसमें बैठ के लेट के आराम करने वाले हैं। तो अभी बारबेक्यू के सेटअप के लिए हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लाई है वो आपको रजत बताएगा। जलाने के लिए लगेगा कागज़,
और उसे जलाने के लिए हम लेकर आए माचिस और साथ ही में हम लोग जो है वो लाइटर भी यहाँ पर लेकर आए हैं। तो ये हो गई जलाने की चीज़ें। खाने के लिए हम लोग ले आए हैं यहाँ पर है आपके नाइफ और साथ में हम लोगों के पास फोर्क भी है, उसके ऊपर कुछ काटने के लिए यह है चॉपिंग बोर्ड। तो ये कुछ मैं कल लेकर आया था। तो दरअसल इसमें जो है मैंने ये बारबेक्यू की स्टिक्स जो होती है जिसमें हम जो भी वेजिटेबल है वो फंसा के इसके ऊपर ग्रिल करेंगे वो है। और ये दरअसल यहाँ पर एक पैन में कल ले आया था, उसको एक ऐसा हैंडल, इस पैन को जो है आप इसमें कुछ इस तरीके से लगा सकते हो सो दैट ये जो है ये मजबूत बन जाता है। अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले छोटे छोटे पत्थर ले आएंगे, वो नीचे रख देंगे उसके ऊपर जो है सो दैट हमारा बेस बन जाएगा। उसके साइड में दो तीन थोड़े से बड़े पत्थर रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे ये पैन और नीचे जो हमारा कोयला जलाएंगे। अभी मैं आपको कोयला दिखा देता हूँ और साथ ही में इसके ऊपर जो हमारे कुछ वेजिटेबल्स है वो हम इसके ऊपर भी रख सकते हैं। तो उसके ऊपर हम एल्यूमिनियम फॉइल की ये प्लेट भी है, तो अगर कोई नॉनवेज बनाता है या फिर जिसको हम ग्रिल नहीं कर सकते, अगर आपको उसको थोड़ा सा बेक करना है तो आप इसके ऊपर रख के भी कर सकते हो। तो ये भी हम लेकर आए थे। तो ये जो चीज़ है ये मुझे मिली थी 6 यूरो में और ये 8 प्लेट्स का जो पैक था वो था 2 यूरो का। इसके बाद सबसे बड़ी बात जो थी, अभी जलाने के लिए हमें चाहिए कोयला। तो यहाँ पे दरअसल कोयले के साथ ये कुछ ऐसी ब्रिक्स भी मिलती है जो कि बहुत जल्दी जलती है, आप उसके ऊपर रख दो तो दरअसल ये ऐसे क्यूब्स होते हैं जो कि ऐसे टूट जाएगी। तो ये 32 टोटल क्यूब्स है और जो मिले हमें 1 यूरो में। ये फर्स्ट टाइम ही हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो कैसे जलेगा, सच में हेल्प करता है कि नहीं वो आप लोगों को दिखा देंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो है ये बैग। ये कोल में कल ले आया था, दरअसल छोटा पैकेट मिल नहीं रहा था तो ये 5 kg की बैग थी, इसमें से इतना बड़ा लाने की ज़रूरत नहीं थी तो कुछ 1.5 किलो हम लोग ले आए, बाकी का हमने घर पे निकाल कर रख दिया है। लेकिन बैग आप लोगों को दिखाने के लिए मैं पूरी की पूरी बैग लेकर आया हूँ। और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी इसको खोलने के बाद, तो ये कोयला जो है आप इसको देख सकते हो इसका शेप कैसा है। दरअसल ये इडली के शेप में जो है वो ये कोयले की ब्रिक्स भी यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए अभी सेटअप कर लेते हैं फटाफट, कैमरा में यहाँ पे हम लोग स्टैंड पे लगा देते हैं, दोनों मिलके फटाफट सेटअप कर लेते हैं और आप लोगों को थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। चलो अभी हम लोग जो है कूल लगा लेते हैं। मैं पहली बार ही चला रहा हूँ, मैं कुछ एक्सपीरियंस तो है नहीं बट स्टिल होपफुली सब सही हो जाए। अभी इस कूल को जला लेते हैं, इसको 4 ब्रिक्स तोड़ लेता हूँ। ये तो लाइटर नहीं जल रहा, इतनी हवा है यहाँ पे, होपफुली यार इससे कुछ तो जल जाए। क्योंकि हम लोग कागज़ जो है वो ज़्यादा नहीं लेकर आए थे और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है अभी, ये ब्रिक्स मुझे लग नहीं रहा कुछ जलेगी। ये ब्रिक्स सच में काम में आ रही है, अदरवाइज ऐसे तो वो कोयला नहीं जलता। एक बार अगर हमारा कोयला जल गया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं जाएगी, फिर तो फटाफट जलेगा। 2000 years later ऑलमोस्ट अभी हो गया है क्योंकि हमारे पास 4 ब्रिक्स थे और मटेरियल ज़्यादा है, तो अगर हुआ तो शायद 2-3 राउंड में हमें पका के खाना पड़ेगा। ये ब्रिंजल है, ये यहाँ पे पेपरिका मिलती है, छोटी छोटी ग्रीन चिलीज, रेड चिलीज रहते हैं ना उसी तरीके से, ये रेड है, ऑरेंज है एंड यहाँ भी है एक येलो कलर की, ये जुकीनी है और बाकी मशरूम्स है। ब्रोकोली एंड सारी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे थे पर जितना पॉसिबल हुआ और जो जो हमारे फेवरेट्स वेजिटेबल्स हैं वो हम लेके आए। तो अभी जो भी हम वेजिटेबल्स लाए थे वो स्टिक में फंसा के रेडी है। उधर मैंने कोयला भी ऑलमोस्ट जला दिया है, अभी ये काट रही है पैच। तो यहाँ पर हर जगह डस्टबिन तो होती है लेकिन यहाँ जो बीच साइड है तो यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं रहेगी, थोड़ा सा रोड साइड में रहेगी। तो हम लोग इसके लिए सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आप लोग इंडिया में भी हर जगह सफाई रखिए। तो हम लोग डस्टबिन बैग लेके आए हैं सो दैट जो भी कचरा है हम इसमें रख देंगे, इसमें डाल देंगे और ये डस्टबिन बैग कचरे की डस्टबिन है।
अभी तो, और ये स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्यूरी जैसे मैंने आपको बताया था, ये प्यूरी मैं घर से लेके आई थी बना के। ये एक्चुअली चेरी मोहितो मैं बनाने जा रही हूँ। तो इसमें है चेरी, ब्राउन शुगर, उसके बाद है सेंधा नमक, और उसमें है पुदीना एंड लेमन। इसको आप मिक्स करके, मिक्सी में ब्लेंड करके आप प्यूरी बना लो। तो एक्चुअली हम लोग जो है आइस क्यूब्स वो थर्मास में लेके आए हैं। तो आपके लिए एक टिप है कि अगर आप बाहर जाते हो ये थर्मास में, अगर आप आइस क्यूब्स लेके जाते हो तो ये इसका पानी नहीं होता है, मैक्सिमम 4-5 आवर्स के लिए इजीली रह जाते हैं। तो ये सोडा बॉटल है और मोहितो का मेन इंग्रेडिएंट भी बोल सकते हैं। इट्स टू गुड। तो अभी हमारा जो खाना है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर है ग्रिल वेजिटेबल्स जो हमने बारबी को बनाया है। नेक्स्ट जो हमने घर से मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी और जीरा राइस लाया था वो भी यहाँ पर है, जिसे हमें अभी गर्म कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर है चेरी का मोहितो। नेक्स्ट है यहाँ पे चेरी टोमेटो एंड चेरी। और उसी के साथ घर से आते आते हमारे घर के पास जो चेरी का पेड़ है उससे हमने ये छोटी छोटी फ्रेश चेरी तोड़ के लाए थे, तो वो भी यहाँ पर हम एंजॉय करने वाले हैं। और सब्ज़ी और राइस के साथ हमने मस्त प्याज काट लिया है, जिसके ऊपर नींबू निचोड़ा है और नमक डाल लिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ ही में जो हम ये ब्लूटूथ स्पीकर लाए थे इसके ऊपर मस्त बॉलीवुड गाने लगाते हैं और हमारा आज का वीकेंड एंजॉय करते हैं। फाइनली हमारा खाना हो चुका है और हमने भुट्टा भी यहाँ पे ट्राई किया है, पर भुट्टा जो कि बॉइल्ड था तो उसकी जो ऑथेंटिक टेस्ट है इंडिया वाली वैसे नहीं आई। और सबसे लास्ट में हम जो लेके आए हैं, आप सभी को पता होगा, जो कि हमारा बहुत फेवरेट है, और वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए फटाफट कमेंट करिए और बताइए आप में से किस किस को ये पसंद है और कौन सा फ्लेवर पसंद है इसमें से। और एक चीज़ है, अगर ये थोड़ा अलग है, झटका करके ये इंडिया में मिलता है, आप अगर आपको इमली झटका करके मिलेगा तो ट्राई करिए और आप अपने जो एक्सप्रेशन से वो रिकॉर्ड करिए, आपको समझ में आएगा उसकी टेस्ट क्या होती है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिए हम 100 लाइक्स का टारगेट रखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके 100 लाइक्स का टारगेट पूरा करने में आप हमारी हेल्प कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और साथ ही में हमारा इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है जिसका नाम है देसी कपल इन जर्मनी, तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम डे टू डे लाइफ के बारे में, अपडेट्स के बारे में स्टोरी में डालते रहते हैं और साथ ही में वर्क, जॉब और स्टडी के रिलेटेड कुछ रील्स बनाते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं।